दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हम आपसे शहर के एक ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू करवाना चाहेंगे जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति का जो अभी चुनाव जो 23 अक्टूबर को जो होने वाला है उसमें स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर वे खड़े हैं और आज INBCN के स्टूडियो में आए हुए हैं। आखिरकार APMC यानी कृषि उत्पन्न बाजार समिति अपने आप में कितनी मशहूर है, क्या क्या उसकी विशेषता है और किस प्रकार की वहाँ की कुछ खामियाँ भी है, आइए इन तमाम बातों के और रुख करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका खास मुलाकात इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। आज के हमारे जो यहाँ पे जो मेहमान आए हुए उनका नाम है वसंत जी पटले देशमुख साहब। तो पटले देशमुख साहब से मैं इनके बारे में यही बता देना चाहता हूँ दर्शकों के, आप कृषि उत्पन्न बाजार समिति व्यापारी अड़तिया मतदार संघ के संचालक पद के उम्मीदवार के लिए आप बतौर खड़े हो और साथ ही साथ दर्शकों वसंतराव पटले देशमुख साहब जो है वे अध्यक्ष है पवार समाज युवा संगठन नागपुर शहर। अध्यक्ष पद पर इनका कामकाज काफ़ी अच्छा चल रहा है और अपने पवार समाज के लिए दिन रात कामकाज भी कर रहे हैं। इतना नहीं तो जो व्यापारी अड़तिया हो या फिर वहां के जो मजदूर जो वर्ग है उनके लिए भी इनका काम काफी सराहनीय है और लोग इन्हें बड़ा प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सीधा रुक करते हैं उन्हीं की ओर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप बहुत कुछ क्षेत्र में कामकाज कर सकते थे लेकिन आपको क्यों सूझा कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना क्यों चाहते थे? सर, सबसे पहले तो मैं मार्केट में जैसे आता हूँ तो मार्केट में जो गंदगी का आलम देख करके, रोड की परिस्थितियाँ देख करके मन में ऐसा लगता है कि इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से जो बॉडी स्थगित है तो ये कोई काम हो नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत दुख था। तो ऐसा लग रहा था कि अपन कुछ ना कुछ इसके लिए करें, इसलिए सामने आगे बढ़ के हमने हिस्सा लिया। बिल्कुल, जब गंदगी का आलम है और बात की बात है तो ये एकदम दुरुस्त बात है क्योंकि अक्सर जब INBCN न्यूज़ बार बार जब APMC मार्केट में तीनों सीजन में जाती है, जैसे धूप का लाओ, ठंड का लाओ या हो फिर बारिश का मौसम, तो कीचड़ गंदगी का इतना बड़ा अंबार लगा रहता है कि वहाँ से चलना फिरना भी मुश्किल होता है। सर, ये बताइए कि जो मार्केट में जो गंदगी है पिछले कई दिनों से फैली हुई है, क्या इसके पहले के जो लोग थे क्या उन्होंने इस गंदगी को सफा नहीं किया है और आपके मन में क्या चल रहा है, गंदगी को किस तरह से स्वच्छता अभियान करने वाले हो आप? देखिए, पहले जो काकानी साहब का जमाना था उस समय में बहुत बढ़िया साफ सफाई रहती थी जी, लेकिन ये पिछले 7 सालों से बहुत ही हालत खराब है मार्केट की। इसमें गंदगी, जो कॉन्ट्रैक्टर है ये लोगों भी कहीं ना कहीं गलती है और गंदगी को अपन पेपर में डाले तो भी इस पर इतना कहने मतलब केयर नहीं हुआ है। बहुत बार हमने इसको पेपर में डाला है फिर भी उसके ऊपर में अमल नहीं किया गया, एक तरह से प्रशासक की लापरवाही बोल सकते हैं हम इसको जी। तो उसके लिए अभी नए तरीके से नए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए साफ सफाई का, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे रोडों के गड्ढे है, रोड है, ये है, आने वाला आपके साथ में, लेकिन जहां गंदगी का जहां आलम है, साम्राज्य जिसे कहते हैं, आज भी बड़े पैमाने पे है जिसके चलते डेंगू मलेरिया मच्छर या फिर जो बड़े बड़े जो डिसीज है वो वहीं से हो रहे हैं और वहाँ का जो प्रादुर्भाव है, जो दुष्परिणाम है वह अन्य बस्ती में भी फैल रहा है जिसके चलते कलन्ना यार्ड में जो रहने वाले जो वहाँ के नागरिक हैं उनके जो बच्चे उनके स्वास्थ्य पे काफ़ी वे प्रभावित हुए हैं। इस ओर शासन प्रशासन ने ध्यान देना बेहद ज़रूरी है और जहाँ जैसे कि इन्होंने कहा कि पहले के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं किया, आशाएँ यही करते हैं कि सुचारू ढंग से अच्छा कामकाज हो और गंदगी हटे क्योंकि स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर की बात पूरे विश्व में डंके की चोट पे कही जाती है, APMC मार्केट उसके लिए पीछे ना हो। हाँ, गड्ढों की जहां बात थी दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप कलमना मार्केट की ओर जाने के लिए निकले तो सावधान क्योंकि हो सकता है कभी भी बड़ी दुर्घटना, आप जिस वाहन से जा रहे हो वाहन कभी भी गिर सकता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, लगता ऐसा है कि कहीं ये विकास का शहर है या गड्ढों का शहर है, क्या कहना चाहोगे सर जिस प्रकार से इतने गड्ढे बने हुए हैं? सर, जैसे यहाँ पे रोडों का कॉन्ट्रैक्ट भी देना चाहिए, पिछले 2.5 सालों से जो बॉडी स्थगित है तो इन लोगों ने कोई काम किया नहीं है, काम की बहुत सख्त जरूरत है। APMC मार्केट में इतने करोड़ों रुपये का सेस मिलता है व्यापारी के तौर पर, इसका यूज नहीं हो रहा है, जबकि सेस ऑफिस के जस्ट सामने में इतने सारे गड्ढे हैं, बैल बाजार में बहुत सारे गड्ढे हैं,
अपना मिर्ची बाजार में बहुत सारे गड्ढे हैं, इधर संतरा मार्केट में आप ग्रेन मार्केट के पीछे वाले एरिया में देखेंगे तो बहुत सारे गड्ढे हैं, मतलब परिस्थिति बहुत दयनीय है, तो इसके लिए विचार करना चाहिए। तो हमने सोचा है, इसीलिए इस प्रतियोगिता में हमने भाग लिया है कि इस बार हम अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है तो ये बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और कुरुक्षेत्रपूर्ण बाजार समिति की जहाँ बात आती है तो वहाँ फिर गंदगी का सिर्फ आलम ही नहीं है, रोड के गड्ढों की ही मुसीबतें, सबसे यदि बड़ी कोई मुसीबत है तो चोरियाँ हो रही है। जबकि नागपुर शहर में 33 से 36 पुलिस थाने हैं जो पुलिस प्रशासन हर दिन इस पे अंकुश लगाए हुए हैं, उसके बावजूद उसके कि जिस प्रकार से एपीएमसी में जो चोरियों की जो वारदात बड़े पैमाने पे हो रही है उसकी रोकथाम पटले देशमुख साहब आप बताइए कैसे कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो चोरी के वारदात के लिए जो दीवारें हैं उनको ऊंची करवाई जाएगी, और दूसरा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की निगरानी में, तीसरा सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी। और कैसा है कि रात में 2 से 4 के दरम्यान में बहुत सारे कुछ अज्ञात जो व्यक्ति रहते हैं आजू बाजू में, जो वो लोग ये सब काम करने का प्रयास करते हैं, तो ये अगर सीसीटीवी कैमरा रहेगा और दीवारें ऊंची रहेंगी तो ये सब कार्य नहीं होगा। बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि जिस प्रकार से अगर ऊंची दीवारें रहेंगी और वहाँ पे सिक्योरिटी का जो फोर्स है, जो स्ट्रेंथ है, वो यदि बढ़ाया जाए तो यकीनन चोरी के वारदात में कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में एपीएमसी मार्केट के जो प्रबंधन है, वहाँ के जो डायरेक्टर है या संचालक जो बॉडी है, इनका काम अच्छे से हो सकता है, बशर्ते चोरी के ऊपर में यदि चोरी की घटनाओं पर यदि अंकुश लगाना हो तो बशर्ते कामकाज भी अच्छा करना चाहिए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करना बेहद ज़रूरी है। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि एपीएमसी मार्केट में सिर्फ संचालकों का ही वहाँ मतलब रहना नहीं होता है, वो वही सिर्फ कामकाज नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ा यार्ड होने से, बड़ा मार्केट होने से पूरे विदर्भ के लोग वहाँ पे अनाज खरीदने आते हैं, संतरा खरीदने आते हैं, फल खरीदने आते हैं, और जो जो चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है वो सब खरीदने आते हैं। लेकिन अगर उन्हें कहीं टॉयलेट करना हो या कहीं, कहने का तात्पर्य कि वहाँ टॉयलेट की सुविधाएं बराबर नहीं है, गंदगी का आलम है, वहाँ की सीटें उखड़ चुकी है, यानी कोई जाने के लिए दिल नहीं करता है और खुले पे कोई बैठना नहीं चाहता। यदि आप चुन के आते हो या चुन के चुनाव में जीतने के पहले भी आपके काफ़ी अच्छे कामकाज रहे, लेकिन अब दर्शकों को ये बताए कि यदि आप ये चुनाव में जीत जाते हो तो ये जो तमाम समस्या है इसका निपटारा कैसे करोगे आप? इसका निपटारा सर, ये जो बाथरूम है, टॉयलेट जो है, इनका नूतनीकरण कराया जाएगा, नया बनवाया जाएगा इनको, और कहने मतलब पूरा फ्रेश नए तरीके से करा जाएगा। गंदगी का आलम टोटल ख़त्म करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और कलमना मार्केट को पूरे विकास की ओर लेके जाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात साबित होगी, क्योंकि विकास ही एक ऐसी चीज़ है जो गली से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके पूरे राष्ट्र तक और राष्ट्र से लेके पूरे विश्व तक अपनी जीत का परचम, अपने कामयाबी का परचम, अपने विकास का परचम लहरा सकती है। वसंत जी पटले देशमुख साहब, मुझे एक बात और ये भी पूछना था आपको कि जहाँ लाइसेंस एक बहुत बड़ा इशू आए दिन बनते जा रहा है, क्योंकि नए लाइसेंस अभी भी बने हुए नहीं जिसके चलते लोगों के काम काज रुके हुए हैं, तो नए लाइसेंस कब बनने के आसार हैं? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2.5 सालों से बॉडी स्थगित है जी, अभी नई बॉडी बनने के बाद में तुरंत ताबड़तोब इस पे अमल किया जाएगा और जल्द से जल्द सभी व्यापारी भाइयों को नए लाइसेंस अवेलेबल कराए जाएंगे। बिल्कुल, तो लोग इन्होंने अपने आज के खास मुलाकात इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम लोगों को जो नए लाइसेंसधारी है या जिनके नए लाइसेंस अभी बने नहीं है तो वे कब बनेंगे इसके बारे में वसंत जी पटले देशमुख साहब, जो कि कुरुक्षेत्र बाजार समिति अड़तिया मतदार संघ के संचालक है, इन्होंने यह बात कही है और लोगों को आश्वस्त किया है। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि जब ट्रांसफर दुकान की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी लेट लगती होती है, सुचारू ढंग से नहीं होती है, वो कैसी हो सकती है? सर, जैसे कि एक व्यापारी भाई दूसरे व्यापारी भाई को किसी कारणवश अगर उससे दुकान चलाना नहीं हुआ, व्यापार नहीं कर पाया, तो दूसरे व्यापारी भाई को अपनी दुकान वो सेल करता है, तो जब वो सेल करता है तो उसके नाम से ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया पिछले 2.5-3 साल से रुकी हुई है, तो ये बॉडी बैठने के बाद में वो भी काम कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जल्द से जल्द होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफ़र का जो मामला है दुकान की प्रक्रिया में काफ़ी लेट लतीफ़ी होती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है और उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे, कामकाज करेंगे। ऐसे आज के खास मुलाकात इस
इस कार्यक्रम के लिए बीसीएन के स्टूडियो में आए हुए वसंत जी पटले देशमुख साहब, इनका ये मानना है। सर आप थोड़ा आखिरी में मेरा एक ही सवाल है कि एपीएमसी में ये तमाम जो समस्या है उसका निपटारा यदि करना है तो, या विकास उसका करना है और आपके तरफ लोगों की काफ़ी उम्मीद जगी हुई है, तो किस माध्यम से कैसे कामकाज करोगे आप विकास को लेकर एपीएमसी का? सर जैसे कि मैंने बताया कि हम जैसे ये रोडों के जो गड्ढे हैं ये सब मतलब रोडों का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वापस से करवाएंगे जी, और जैसे एपीएमसी मार्केट के अंदर में जो गंदगी का आलम है जी, इसको विकास की निधि पे लेके जाएंगे और पूरे कलमना मार्केट में अच्छे नए तौर तरीके से पूरा विकास करने के, और अपने पूरे मतदाता भाइयों से अपील करेंगे कि हमको अगर आशीर्वाद देते हैं तो बहुत अच्छे से अच्छा काम 24/7 मुझे लगता है कि एपीएमसी मार्केट में एक कार्यकर्ता की जरूरत है, एक नेता की जरूरत नहीं है, तो ये कार्यकर्ता के रूप में हम काम करना चाहेंगे, जनता का आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति का अभी जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि ये सहकार क्षेत्र में आता है, जब भी सहकार क्षेत्र से जुड़ा हुए कोई भी चुनाव होता है तो अपने आप में एक होता है, जैसे लोकसभा होती है, विधानसभा होती है, या स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो चुनाव होते हैं निकाय, उन चुनाव से कई गुना अधिक इस चुनाव के और पूरे लोगों की निगाह लगी हुई रहती है, क्योंकि लोगों के अस्मिता का ये एक बहुत बड़ा सवाल उनके कामकाज के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव मायने रखता है। इसीलिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति का जो चुनाव होने वाला है उसके अंदर तकरीबन 2,246 मतदाता है और 8 उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हैं, और 8 में से एक जो है उम्मीदवार आज यहाँ पे आए हुए हैं, जिनका नाम मैंने पहले बता दिया, जिन्होंने अभी भी अपने टीवी से शुरू किया, उनके लिए भी मैं बता दूं दर्शकों कि आप है वसंत जी पटले देशमुख साहब, जिनका चुनाव चिन्ह है डमरू। सर डमरू जब आपको चुनाव चिन्ह मिला तो कैसे लग रहा था, आपके मन में क्या चल रहा था? सर मैं एक बोलना चाहूंगा मेरे दर्शकों से, भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, मैं भोलेनाथ का एकदम भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ दिल से, और डमरू जब चुनाव चिन्ह मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि डमरू चुनाव चिन्ह मिलने से एक मेरी जो काम करने की प्रक्रिया थी 1,000 गुना और बढ़ गई। बिल्कुल, जहाँ डमरू हो या फिर तुमड़ी हो या फिर और भी जैसे जो वाद्य जो कहते हैं जो संगीत से जुड़े हुए होते हैं, जब देश को आज़ादी मिलने के पहले में जब प्रबोधन जब होता था तो इसी संगीत के माध्यम से ही होता था, और संगीत डमरू भी है, ये शिव जी का भी एक संगीत वाद्य है डमरू, और ये डमरू इन्हें मिला है। अब डमरू कैसे बजता है, उसकी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुँचती है, कामकाज कितना सुचारू ढंग से होता है, इस और भी लोगों की निगाह लगी हुई है। वसंत जी जाते जाते यदि दर्शकों को आप कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हो या कुछ आपके दिल की बात रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, आप बताइए क्या कहना चाहते हो हमारे, क्योंकि लैक्स ऑफ दर्शक आपको इस समय में गौर से देख भी रहे और सुन भी रहे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है वसंत कुमार लोकचंद जी पटले देशमुख, मैं आने वाले 23 तारीख को चुनाव है, मेरा चुनाव चिन्ह है डमरू, चुनाव चिन्ह डमरू पर भारी बहुमतों से मोहर लगाकर विजयी बनाए और एक साधारण से कार्यकर्ता को कार्य करने का अवसर दीजिए। जय हिंद। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तभी से उछाला जाता है जिसे कुछ करना है उसे उजाला नजर आता है, और जिसे कुछ भी नहीं करना है उसके जीवन में और उसके कामकाज में अंधेरा सा छाया जाता है, मगर डमरू की उस आवाज़ से और लोगों के मतदाताओं के प्यार से, उनके असीम आशीष से वसंत पटले जी देशमुख साहब जरूर आप चुनाव में जीतोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ढेर सारी हमारे तमाम दर्शकों की ओर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और आपके लिए आखिर में यही कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो दिल, आपका जो कामकाज करने का जो स्टाइल है और जो आप कामकाज करना चाहते हैं पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से, आपके लिए यही दुआएं करता हूं कि हिमालय की है पुकार बहादुरों बढ़े चलो, हिमालय की है पुकार बहादुरों बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सबसे आगे हो चलो। तो दर्शकों ये थी खास मुलाकात, फिर अगली बार हम फिर किसी नए उम्मीदवार से हम आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। और सर आज आप बीसीएन के स्टूडियो में आए खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम के लिए समय पे समय निकालते हुए, इसलिए मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार। तो दर्शकों मिलते हैं अगले खास मुलाकात में फिर किसी नए उम्मीदवार के साथ, तब तक संजय मीर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।